हेलो फ्रेंड्स, आज हम एकदम झटपट और हेल्दी परमल का नाश्ता बनाएंगे। ये साउथ का कर्नाटक में बनाया जाने वाला नाश्ता है। इसके लिए हमने ले लिया है 4 से 5 कप परमल। इसे अच्छे से छानकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और 2 से 3 बार इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। परमल में जो भी पाउडर वगैरह लगा होगा, कचरा लगा होगा, वो अच्छे से निकल जाएगा और धोने के बाद परमल हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। परमल हमारे अच्छे से वॉश हो गए हैं और इसके अंदर जो भी पानी था वो सारा हमने निकाल दिया है और परमल भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे परमल के हिस्से का नमक और पाउडर शुगर। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन चीनी ये नाश्ता खाते वक्त चीनी का जो आपको क्रिस्टल मुंह में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड किया है। इसे अब हम साइड में रख देंगे और इसमें लगाने का जो तड़का है इसकी हम तैयारी कर लेंगे। तो पैन में हम डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे राई। राई भी हमारी अच्छे से फूट जाएगी। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा। थोड़े मूंगफली के दाने ले लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे हम तेल में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता साउथ के कर्नाटक में ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है और इसे सुशीला करके भी बुलाते हैं। ऐड कर देंगे हींग, हरी मिर्च के टुकड़े और करी पत्ता। थोड़ी हम इसमें ऐड करेंगे उड़द की दाल, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम तेल में इसे भी सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक प्याज लिया है मीडियम साइज का और इसे हमने बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को भी अच्छे से सॉटे करेंगे और सॉफ्ट होने तक इसे हम पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक को हमने परमल में भी ऐड किया है तो उसका ध्यान रखते हुए ही आपको अभी नमक ऐड करना है। बारीक कट किया हुआ टमाटर। टमाटर और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी 20-30% तक पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी हम थोड़ा सॉटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा। सुबह के फटाफट की भागा दौड़ी में आप ये नाश्ता एकदम जल्दी 5 मिनट में बना सकते हो और बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने रेडी किए हुए परमल। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी कढ़ाई एकदम गर्म है और जैसे ही आप परमल डालोगे और वो चिपक रहे हैं पैन से, तो गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर दीजिएगा। पैन को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद आप परमल ऐड करो और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसे आप गैस को चालू करके अच्छे से गर्म कर लो। सारे परमल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो है ना फ्रेंड्स, बनाना एकदम ही आसान। ये हमारा नाश्ता एकदम जल्दी से बन गया है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस और इसे भी हम परमल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में इसे हम सर्व करेंगे।
ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। और मैंने लिया है फ्रेश नारियल, जिसे कद्दूकस कर लिया है, इसे भी हम ऊपर से ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो, जो ड्राई वाला नारियल का बुरादा आता है वो वाला। तो रेडी है फ्रेंड्स हमारा परमल का नाश्ता। खाओ, खिलाओ, खुश रहो। थैंक यू।